कितनी स्टोरीज और कितनी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जहां एक नर्सिंग मदर को मारा गया, उसके पपीज वहीं हैं, वो दूध पी रहे हैं और माँ को मार दिया गया है। जहर आप दे रहे हैं उनको और ऐसा जहर दे रहे हैं कि कई घंटे तड़प तड़प के जानवर मरता है। दुनिया में होती है, दुनिया में कलिंग होती है डॉग्स की, मगर वो एक इंजेक्शन दे के उनको सला दिया जाता है। जहाँ तक बात हो रही है डॉग बाइट्स की, देखिए कुत्ता खुद डरता है। आप कहीं भी देखें, आप सी वी पे चले जाएं, इतने कुत्ते बैठे होते हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहते, सिर्फ जब वो कहते हैं, जब उनको कोई पत्थर मारता है। आपसे एक गुजारिश है, हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि कुत्तों को पत्थर ना मारें। इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, पिछले दो हफ्ते में कोई हजारों की तादाद में कुत्तों को मारा गया है विदाउट एनी यू नो चेक्स, विदाउट एनी रेगुलेशंस। और इतनी सारी पिक्चर्स हम लोगों ने भी सोशल मीडिया पे देखी हैं, और ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से ये लोग कर रहे हैं ऐसे। और हमारा जो मेन स्टांस है, हम लोग यहाँ हैं कि आप लोगों को अगर लोकल गवर्नमेंट सिंध ने पैसे दिए हैं कि आप लोग वैक्सीनेशंस करें डॉग्स की, आप उनको शेल्टर प्रोवाइड करें जो डॉग शेल्टर कहते हैं, देन व्हाई यू किलिंग देम, उनको क्यों मारा जा रहा है। दुनिया में ऐसे कहीं भी नहीं होता कि जानवरों को, बेशक वो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको कहीं भी नहीं मारा जाता। बहुत बार ऐसे हो चुका है रिसेंटली, सबने न्यूज़ में भी देखा होगा कि डॉग बाइटिंग इंसिडेंट्स हैं, लेकिन कुछ चंद ऐसे जानवरों की वजह से सबका जेनोसाइड तो नहीं किया जा सकता ना, मास मर्डर आप नहीं कर सकते एनिमल्स का। सो हमारा मकसद ये है कि हम यहाँ खड़े हैं कि सीबीसी हमें जवाब दे, और हम लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, दो तीन लॉयर्स हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, हम लोग पिटिशन देंगे कि दिस इज़ यू नो वायलेशन ऑफ एनिमल राइट्स बेसिकली। Till the policies get accepted and till the policies are approved, we want at least ke tab tak jo hai ye log the culling stops, number one. Number two, when it comes to the CBC Act, which is Cantonment Act 1924, section 119 allows, authorizes the CBC to kill dogs in whatever manner that they want, because the word that is specifically used in section 119 is destroy. When the word destroy is used, it can be by way of any manner and any form that they want. And it's quite sad to see that the world is progressing at such a pace. Aur hamare yahan jo hai, this inhumane, barbaric and extremely, extremely pathetic way, the state of affairs of our country, the state of affairs in relation to animal rights is very far, and we want that to stop, and we want our country to progress in a manner where there are animal rights available, where the animals can be in as much peace as the humans as well.